From the break viewers, आप देख रहे हैं morning at home. अगर आपने अभी भी tune in किया है तो मैंने break से पहले आपके साथ share किया था कि एक जमाने में about 15 years ago, 16 years ago इसी channel पे बैठ के हम बात करते थे और मैं अक्सर कहती थी कि please cream में ये जो mix कर कर के formula creams हैं वो मत लगाया करें, वो आपकी skin के लिए ठीक नहीं है. क्योंकि हर बंदा किसी और की बात सुनता था और पता नहीं कहाँ से ये एक हॉरिबल सी स्टोरी शुरू हुई जहाँ पे हमने स्टेरॉइड्स और पता नहीं क्या क्या खुद ही बच्चियों ने मिक्स करके लगाना शुरू कर दिया. वक्त गुजरा, चीज़ें इजाद होती गई, नई नई चीज़ें बनी. अच्छा, अब बच्चियाँ क्रीमें तो आज भी लगा रही हैं अनफॉर्चुनेटली कुछ, लेकिन मकदार कम हुई है पहले से, अल्लाह का शुक्र है अवेयरनेस से. लेकिन उसके साथ 50 और एक्सपेरिमेंट्स अब यंग बच्चियों ने अपने मुंह पे खुद करनी शुरू कर दी हैं, मुंह पे, बॉडी पे. रैंडम लोगों के पास जाएंगी, किसी पार्लर पे जाके टीके लगवाने शुरू कर देंगी कि उन्होंने कहा है हमें गोरा कर देंगे. अच्छा, किसी, अब मैं रैंडम पार्लर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पार्लरों का काम नहीं है ये काम करना. पार्लर में तो मैंने आपको कुछ महीने पहले, जब हम कुछ बल्कि हफ्ते पहले ये भी आपको क्लियर की थी बात कि भाई आप हाइड्रा फेशियल भी नहीं करवा सकते, वो भी एक प्रॉपर मशीन है जिसके लिए प्रॉपर टेक्नीशियन होता है और पहली दफ़ा जिसकी क्लिनिक होता है वो खुद करता है, उसकी सेटिंग्स करके डन अपने टेक्नीशियन को सिखाया जाता है और वो फिर भी उनकी निगरानी में होता है जब भी होता है. तो प्लीज़ स्पेशली यंग बच्चियाँ, क्योंकि बजट के इशूज़ होते हैं तो वो क्या कहती हैं कि ओए यही चीज़ वहाँ पर 10 गुना कम की मिल रही है. अगर 10 गुना कम की मिल रही है तो फिर वो एक्सपायर्ड भी है, ख़राब भी है और अगले को काम भी नहीं आता और हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है. सो आज फिर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि अपने आप को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है अपने आप को नुकसान पहुंचाए बगैर. क्या फ़ायदा कि चेहरा आपका 2, 6, 8 साल के लिए अच्छा लगे लेकिन अंदर से आपके ऑर्गन्स उठ जाएँ, आपके गुर्दे फेल हो जाएँ, आपका जिगर जवाब दे दे. सो आइए मिलते हैं डॉक्टर बुशरा बशीर से. आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं एंड स्टेम सेल थेरेपी एक्सपर्ट भी हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट द अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज. आपको पता है हम सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम पे बुलाते हैं ताकि वो जो एडवाइस दें वो भी उसी तरह सॉलिड हो. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. वैसे तो गप्पे हमारी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, आपकी एंट्री पर ही मैं अपने रोने लेके बैठ गई थी आपके सामने. थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स यू शेयर्ड. लेकिन ये अवेयरनेस होना कि या ये नॉलेज होना या ये आपको पता होना कि आप गलत कर रहे हैं अपने साथ कितना ज़रूरी है, स्पेशली यंग बच्चियों का. अब यंग बच्चियों से मैं बात कर रही हूँ 14 साल की उम्र से लेके कोई 25 साल की उम्र तक, सबसे ज़्यादा पंगे की एज यही होती है. बिल्कुल जी मैम. हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे जुगन आपने ये टॉपिक सेलेक्ट किया क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले हमारा मसला क्रीम्स था, अब हमारा मसला ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो सोशल मीडिया और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ करती है. और आपको पता है कि ये सारा मार्केटिंग फोरम जो है उसका क्या नतीजा है कि वो खुद से अपने आप को असेस कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें मंगवा के भरे हुए हैं उन्होंने अपने शॉपर्स और वो जो है वो सारी एक्सपेरिमेंटेशन अपने साथ कर रहे हैं कि, और ये एक उनके माइंड में यानी फिक्स्ड है, इसको हम इल्यूजन कहते हैं कि बिल्कुल सही वो सोचते हैं कि हम अपने लिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमने असेस भी कर लिया हमारी स्किन कंडीशन क्या है, हमने प्रोडक्ट भी असेस कर लिया है और अब हम लेके जो है ना बगैर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अंदर इन्वॉल्व किए हुए किसी डर्माटोलॉजिस्ट को हम उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे. बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ठीक है और उन्होंने अपना बेड़ा गर्क किया होता है इसलिए कि चीज़ें अच्छी हैं, ये बात नहीं है कि जी फलाना सीरम मैडम आप बताएं, अच्छा ये फलाना हाइलुरोनिक एसिड अच्छा है मैडम, नायसिनामाइड अच्छा है मैडम, अल्फा ऑर्बिट सब अच्छा है. ओ भाई, विटामिन सी सीरम जो हर नुक्कड़ कोने में वाफर इकबार में मिलता है वो तो मैं भी बनाती हूँ अपनी स्किन केयर की रेंज में, बट उस विटामिन सी सीरम को इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए. वही विटामिन सी सीरम जो आपकी स्किन को ब्राइट करता है, जब आप उसको लगा के घर से बाहर निकल जाते हैं धूप में तो वो आपका मुंह जला देता है, आपके मुंह पर छाइयां कर देता है. बिल्कुल वही चीज़ जो रात को लगाने से या जब आपने लाइट वाइट धूप शूप हर चीज़ से बचना है और उसके साथ आपने सनस्क्रीन भी लगानी है. बिल्कुल, इवन अगर आपने उसको रात को भी लगाना है या सनस्क्रीन वाली. अब ये डॉक्टर साहिबा ना कोई जानता है ना कोई अंडरस्टैंड करता है और मैंने भी स्क्रीन पे काम करने के बावजूद भी ये चीज़ें गलतियां करके सीखी हैं जी. और ये सबसे बड़ी फॉल्ट है इस
इसमें ये है कि जुगन ये चीज आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाती है जो पूरी दुनिया में बैन हुई भी होती हैं, लेकिन लोगों ने क्योंकि वो बैन हो चुकी होती है उनको मिल गई होती है ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पे, उन्होंने बहुत सा स्टॉक उठा लिया, अपनी छोटी सी इंस्टाग्राम की दुकान खोल ली, बेचना शुरू हो गए। और इसमें जुगन जैसे आपने कहा कि ये विटामिन सी जैसे सुबह लगा के जा रहे हैं, अच्छा बहुत सारी बच्चियां हैं जिनकी ऑलरेडी उनको अपनी प्री एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशंस का कोई आइडिया नहीं है, यानी हर नॉर्मल बंदा जो आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है उसकी स्किन पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और मे भी जिस चीज़ को वो अपने लिए बहुत अच्छा समझ रहा हो वो उसके लिए ना हो। ये ऐसे ही है कि सब कुछ अच्छा है, खजूर बहुत अच्छी है, तो क्या शुगर के मरीज़ को खिलानी शुरू कर दें, खजूर बहुत अच्छी है। तो मतलब अगर आपकी स्किन कंडीशन पहले से ऐसी है जो विटामिन सी से एग्रावेट हो सकती है, बढ़ सकती है, तो आप विटामिन सी जितना मर्जी अच्छा है लेकिन आपके लिए नहीं है, हो सकता है आपके लिए कोई और मेडिसिन हो जो आपके लिए अच्छा काम करे। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा लाए कर रहा है कि हमने हेल्थ को अपने हाथ में ले लिया। और मैं यहाँ पर माओ से और फादर से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी, आधे से ज़्यादा वक्त घर पे पेरेंट्स ही रिसीव कर रहे होते हैं चीज़ें जो बच्चों ने ऑनलाइन ऑर्डर की होती है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि बच्चों की अगर कोई चीज़ आई है तो आप खोल के चेक करें, ये गलत बात है। किसी की भी मेल आए, उनके नाम पे आए, चाहे वो बच्चा आपका 12 साल का भी उसने ऑर्डर किया, खुद अपने हाथों से खोले, जो एक असूल की बात है। देखिए जो सही बात, प्राइवेसी। उसके बाद आप बच्चे को कहें कि बेटा आपने मंगाया, प्लीज़ मुझे दिखाएं आपने क्या मंगाया। वो आप बच्चे को कहें कि जी आपने मंगाई है, मुझे दिखाएं, देखें और फिर पढ़ें कि आपकी स्पेशली, और लड़के लड़कियां दोनों कर रहे हैं, ये सिर्फ लड़कियों का मसला नहीं रहा, लड़के भी यही करते हैं। बिल्कुल। और लड़के करते चले जाते हैं, नुकसान करते चले जाते हैं, वो तो डॉक्टर पे भी नहीं जाते, बच्चियां चलो फिर भी चली जाती हैं, माँ परेशानी में ले जाती हैं। ये बहुत ज्यादा होता है कि माएँ जो है वो जुबानी कलामी लड़कों की बता रही होती हैं स्किन कंडीशन और कहती हैं कि डॉक्टर साहब वो नहीं आ रहा, क्लिनिक पे आके नहीं दिखाना चाहता आपको, तो ये हालात हैं, आप ऐसे ही लिखते हैं दवाई, ये इस तरह से हो रहा है। अच्छा एक चीज़ जो आपने ब्रेक में हम बात कर रहे थे तो आपने उसकी तरफ इशारा किया, मैं चाहूँगी कि हम उसकी तरफ बात करें जी। एक ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि हम चीज़ें करते चले जाते हैं अपने ऊपर, वो हमारे एज के हिसाब से भी गलत होती है। बिल्कुल। फिर उसके आगे से नुकसान क्या होता है ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को नहीं लगता कि जो हम स्किन पे लगा रहे हैं या जो हम सर पे कोई चीज़ लगा रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि वो तो बालों पर लगी है ना, स्किन पर लगी है। By the way, आपकी स्किन जिंदा है, ये सांस लेती है, चोट लगती है तो दर्द होती है ना। बिल्कुल। इसमें मैं ऐड करूंगी जुगन के ये लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जितने बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स आप पढ़ते हैं, आप अपने दिल का बड़ा ख्याल रखते हैं, आप अपने दिमाग का बड़ा ख्याल रखते हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपकी जिल्द जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है जो आपके सामने पड़ा हुआ है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ज़रिए जो कुछ भी जा रहा है आपके अंदर ही जा रहा है। आपके जो रूट्स हैं ना मेडिसिन लेने के, कि आप मुंह से ले रहे हैं, आप इंजेक्शन से ले रहे हैं, तो आप जो लगा भी रहे हैं वो आपके अंदर ही जा रहा है। अच्छा बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब अच्छा हम ये दवाई लगा रहे हैं ये भी अंदर ही जाएगी, ये भी वही सब कुछ करेगी जो बाकी। आपने जो बात की है कि मैं खासतौर पर रेटिनॉल के उसके हवाले से इसलिए करना चाहूँगी कि आजकल बड़ी हाइप आई हुई है जी रेटिनॉल सीरम, मैडम एंटी एजिंग होता है, रेटिनॉल सीरम लगा रहे हैं यंग बच्चियां जिनकी अभी अभी शादी हुई है। उसमें से मेरे कुछ पुराने पेशेंट्स ने बताया कि मैडम हम रेटिनॉल सीरम लगा रहे हैं। मैंने कहा बेटे आप तो अभी नहीं लगा सकते, आपकी आगे प्रेगनेंसी है, ठीक है, किस एज के बाद लगाना चाहिए? नहीं, उसमें जुगन ये है कि लगा आप सकते हैं, लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दवाई आपके अंदर जाती है और बच्चे को नुकसान पहुँचाती है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सी बच्चियाँ जब प्रेग्नेंट होती हैं उनके स्किन के मसाइल शुरू हो जाते हैं जी। तब भी वो लगाना शुरू कर देती हैं। अब मैं कोई यंग बच्ची तो नहीं हूँ ऑब्वियसली, बट नूर व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद हर 3 and a half, 4 इयर्स अगो माशाल्लाह से, तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि आपने स्किन पे भी, आपने कोई केमिकल कोई भी चीज़ नहीं आपने यूज़ करनी, मेरी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी और मैं बेड रेस्ट पे थी। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा एक तो सारा दिन बंदा पड़ा रहे बिस्तरे में और ऊपर से आप कह रहे हैं कि मैं कुछ लगा भी नहीं सकती, तो बंदा थोड़ी लोशने लूशने चीज़। उन्होंने कहा आपको पता नहीं है जो चीज़ आप स्किन पे लगाते हैं, जो चीज़ आप बालों, मुझे तो पैराबेन और सल्फेट फ्री शैम्पू तक का उन्होंने कहा कुछ नहीं लगाना आपने, ये प्रेशियस प्रेगनेंसी है। लो जी मुझे अजाब पड़ गया, तभी तो मैंने अपनी स्किन केयर की और हेयर केयर की ब्रांड शुरू की वो इन सब चीज़ों से फ्री, क्योंकि और उसके बिकॉज उस वक्त सोचें
इतनी लेट जिंदगी में एहसास हुआ कि ये तो जिस्म में सारा कुछ आ रहा है जी। सो प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ व्यूअर्स, बच्चियों का और बड़े भी ख्याल करें। अगर आपको किडनी के प्रॉब्लम्स हैं या आपको कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो आपने ध्यान करना है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप हमें गाइड करेंगे कि चलें अगर कोई इंसान है बड़ा तंग तो वो क्या करें। बिल्कुल, स्पेशली पहले प्रेगनेंसी में क्या स्पेशल एहतियातें करनी है, या आप बच्चे को फीड करा रहे हैं तब, हाँ जी, स्किन से रिलेटेड वो, और उसके बाद स्टेम सेल क्या चीज़ है और वो बच्चियों को, यंग लोगों को और एडल्ट्स को भी क्या हेल्प दे सकती है ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कभी कभी कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं, मुलाकात पहली होती है लेकिन लगता है कि जैसे बचपन की सहेली है। तो आज उम्र में मेरे से छोटी हैं डॉक्टर बुशरा, लेकिन फिर भी मुझे होता है ना कि सहेली, एक एक स्टेज के बाद ना जब आपकी उम्र किसी से ज्यादा होती है, हम एक ही उम्र के, छोटी है लेकिन फिर भी सहेली है। अच्छा, अभी मेरी उम्र का अंदाजा नहीं हुआ हो सकता है हमारी उम्र एक ही हो और हो सकता है आपकी काफी कम हो, लेकिन अगर मेरे से बहुत छोटी भी लगती है तो एक अच्छी बात है। हाँ। यानी कि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। जी बिल्कुल, यही तो बात है ना। हाँ। लोग कहते हैं उम्र चोर, दुनिया सारी अब उम्र चोर हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि उनको तरीके आ गए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बाहर की 100 रुपए की चीज देख के कहते हैं कि हमारी 1 रुपए में हो जाए, वो नहीं हो सकता व्यूअर्स। 100 रुपए की चीज शायद 80 रुपए में आपको मिल जाए। बिल्कुल ठीक, जेवर के अलावा ये और कहीं नहीं अप्लाई करती चीज, मैं आपको बताती हूँ क्यों। हाँ। सोना आप लेने के लिए जाते हैं, प्योर सोना खरीदेंगे 1 तोला और 1 तोले के बुंदे खरीदेंगे। तोले के बुंदे ज्यादा महंगे इसलिए होंगे क्योंकि उसमें बहुत सी वर्किंग, मेकिंग, शेकिंग, और अगर ब्रांड बड़ा है तो ब्रांड का नाम भी उस पर लग जाता है। प्योर सोना लेंगे वो आपको सस्ता पड़ेगा और उसकी रीसेल भी होगी। उसके अलावा दुनिया में, या जमीन, उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो 100 रुपए की है तो वो आपको 10 रुपए की मिलेगी। ये पॉसिबल नहीं है, सही कह रही हूँ कि गलत? बिल्कुल। हाँ, पाकिस्तान में डॉक्टर्स अपना एक्सपेंस कम कर देते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कोई चीज लगा रहे हैं उसकी कीमत ही $100 है। बिल्कुल, तो वो आप कैसे 10 रुपए की लगा सकते हैं या 100 रुपए की, 1000 की। आपने बहुत अच्छी बात की जुगन, पाकिस्तान में डॉक्टर्स अपने सर्विस चार्जेस बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट को ये समझाने में कि ये जो प्रोडक्ट वो ख़रीद के या परचेज करके उनको लगा रहे होते हैं, अगर वो अच्छा परचेज़ करें, जैसे आपने कहा, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा परचेज़ करें तो उसकी कॉस्ट ऐसे नहीं हो सकती कि वो 100 रुपये का हो और वो 10 रुपये का उसको जो है लगा दें। अच्छा, ये बताएं सच्ची बात डॉक्टर साहिबा, आपने खुद भी अपने ऊपर अपनी चीज़ें करती हैं? मैं ये नहीं पूछ रही क्या, मैं सिर्फ जानना चाहती हूं। जी बिल्कुल, यानी कि आप अपने पेशेंट्स पे वही करती हैं जो आप अपनी जात पे भी करने के लिए तैयार हैं? मुझे सबसे पहले आपकी ऑन एयर ये स्टेटमेंट क्लियर। जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। और मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ जुगन मैं नहीं, आप बाकी भी जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनको बुलाएंगे, वो ये साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स फॉलो करते हैं। अपनी जात पे भी करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि बात क्या है, वो अपने दूसरे के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, तो ट्रीटमेंट भी फिर वही करें। अगर आपको पता है कि एक ट्रीटमेंट अगले के गुर्दे उड़ा देगी, उसका सिस्टम उड़ा देगी, बिल्कुल मैं ना करूं लेकिन अगले को कर दूं, ये तो नहीं है ना मामला। मैं ये बताना चाहती हूं कि ये जितनी ट्रीटमेंट्स हम करते हैं ना, और खासतौर पर जब आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये ऐसे नहीं होता कि ये उसे कोई हवा से आ गई है, उसने कहीं से कोई इल्हामी नॉलेज आ गया उसको कि ये वो ट्रीटमेंट करे। इसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होती हैं और मल्टीपल लोगों पे होती हैं और इनकी लॉन्ग टर्म स्टडीज़ होती हैं, बड़े बड़े साल, इवन 10, 20 ईयर्स उन पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया गया होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च होती हैं, इनके अपने अपने नाम होते हैं, हर चीज़ को हम देखते हैं कि ये इस पर किस तरह की रिसर्च हुई हुई है, इसके कैसे रिजल्ट्स हैं, और जितनी ट्रीटमेंट्स हम पब्लिक को ऑफर करते हैं हम खुद उसको 100% करवाने के लिए तैयार होते हैं, हम तो उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन जो चीज़ आप अपने ऊपर भी करें, आप लोगों पर भी करें, वो प्रेग्नेंट और दूध पिलाने वाली खवातीन पर नहीं किया जा सकता। और इसमें मैं उनको भी ऐड करूँगी जो सोच रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग की तरफ जाएँ, जैसे कि अगर आपने 6 महीने के बाद शादी करनी है और आपका प्लान है कि आपने फॉरेन बच्चों की तरफ जाना है, तो तब भी आपको एहतियात करनी है। तो अब जो मैम बातें बताने जा रही हैं, जो नहीं करनी, वो उन लोगों के लिए हैं जो फैमिली प्लानिंग की तरफ जाने लगी हैं, जो प्रेग्नेंट हैं और जो अपने बच्चे को अभी दूध भी पिला रही हैं, क्योंकि दूध से हर चीज बच्चे के अंदर जाती है। हाँ, ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है,
कि ये जो मिल्क है ना, जितनी चीज़ें आप खा रहे हैं, जितनी चीज़ें आप लगा रहे हैं, ये मिल्क के ज़रिए बच्चे में जा रही हैं। तो जब तक आपका बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता, वो खाना पीना नहीं शुरू हो जाता, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और फिर जब आप उसको दूध छुड़वा देते हैं उसके बाद आप बाकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो आप बड़ा फॉलो करते हैं कि अमेरिका और ये वो, तो अमेरिका में ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं उसमें तो अब वो ये जो फॉलिक एसिड की एक छोटी सी टेबलेट दी जाती थी पहले ज़मानों में, वो भी नहीं अब देते। तो कम्प्लीटली फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ भी लगाना खाना सब मना कर दिया हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बच्चों में कितने बिहेवियरल प्रॉब्लम, ऑटिज्म हो गया, और कितनी चीजें हो गया, एडीएचडी हो गया, बिल्कुल सही कह रही हैं, ये पहले नहीं थी। तो लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि प्रेगनेंसी में उन्हें बहुत, एक प्रेगनेंसी 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है और बहुत प्रेशियस टाइम पीरियड है, वो बच्चा आपका सारी जिंदगी आपके साथ है। आप जैसी एक भली डॉक्टर, मेरी प्यारी दोस्त भी है, मेरी बहन भी है, उसने मुझे यही कहा। मैंने अगेन नूर की प्रेगनेंसी का पहले भी बताया और हसन के दौरान भी, मैंने कहा हाय अल्लाह मुँह पे बाल आने शुरू हो गए हैं, लेज़र कर दो। उसने कहा जुगन मैं वो फॉलो करूँगी जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, मैं तुम्हें लेज़र भी नहीं करूँगी, जबकि हाँ उसका नुकसान कोई नहीं, उसे सीधा आपके यहीं पे लग के ख़त्म हो जाना है। उसने लेज़र भी नहीं किया, उसने कहा मैं नहीं करूँगी लेज़र हेयर रिमूवल, चुप करके बैठ जाओ। उसकी रीज़न ये है कि देखें लेज़र प्रेगनेंसी में करके उसका आउटकम आज तक नहीं देखा गया हुआ, और बाद में पता ही नहीं, और पैसे भी ज़ाया करने और ऊपर से क्यों रिस्क लेनी है रिस्क। अच्छा तो डॉक्टर अगर मना कर रहे हैं ये चीज़ें नहीं करनी और नई कोई चीज़ भी नहीं शुरू करनी प्रेगनेंसी के दौरान के क्रीम में सीरम वगैरह नॉनसेंस। अच्छा मैम स्टेम सेल से क्या क्या चीज़ें हल हो सकती हैं? फिर एक दिन मैं आपको आगे जाके ना, अगर आपके पास वक्त हुआ मैम, प्योर स्टेम सेल पर करेंगे, क्योंकि स्टेम सेल के बहुत से वो भी है ना, डिफरेंट किस्म के स्टेम सेल है, कोई फैट से, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से, वो हम करेंगे, लेकिन बस ये बता दें स्टेम सेल से किस किस चीज़ का हल निकल सकता है। हम अगर सिर्फ डर्मेटोलॉजी की बात कर रहे हैं या स्किन की बात कर रहे हैं ना, ब्यूटी की, तो उसका भी बता दें, बालों का भी। स्टेम सेल इतने खूबसूरती से बाल उगाता है कि आप, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट पर जाना चाहते थे और अब उनको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, तो इस तरह के उसके रिजल्ट्स हैं। तो आपको पहले जो है मेरे कर दें प्लीज, कसमें ब्लो ड्राई कर करके 3.5 बाल रह गए, उस 3 होने से पहले या 2 होने से पहले मेरा कुछ कर दें। स्टेम सेल बालों के लिए तो एक्सीलेंट काम करता है, उसके अलावा जो PRP से बेहतर है क्योंकि वो रिजेनरेटिव है, PRP से 1000 times बेहतर। नए बाल भी निकलते हैं? नए बाल निकलते हैं, आप अगर नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम में बुलाएंगे तो शायद हम कुछ पेशेंट्स को बुला लें या हम उनकी पिक्चर्स जो हैं बिफोर आफ्टर वो शेयर कर लें, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं जो ऑलरेडी पेशेंट्स करवा चुके हैं। ये बड़ी एक और कॉमन चीज़ हो गई है, पहले बच्चियों के एक्नी का सिर्फ इशू होता था, अब तो 22-23 साल की बच्चियों की गंज हो गई है और जड़े नजर ही नहीं आ रही। एक होता है कि बाल गिर रहे हैं मगर जड़ फिर भी नजर आती है, जैसे ऑलमोस्ट एलोपेशिया की तरह गंज होती है। बिल्कुल, ये जो खाली सर वाली बच्चियों के रिजल्ट्स देख के आप हैरान रह जाएंगे जुगन, कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट से कितने अच्छी तरह और रिजेनरेटिव है, उनके अपने बाल उगे हुए, हमने बाहर से तो लगाए नहीं, ये तो सिर हो गया, ठीक है। अब फेस और बॉडी का बताएं, चेहरे के लिहाज से आप देखें कि अगर आप स्टेम सेल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जैसे आपने कहा कि ये आपको यूथफुल रखता है, ये आपको यंग रखता है, और ये आपको यंग करने का इसमें पोटेंशियल है, सलाहियत है। एंटी एजिंग तो है ही, प्रोग्रेशन ऑफ एजिंग तो इसने स्लो करनी है, लेकिन आप इसने आपका रिवर्सल भी करना है। आप बहुत सारी ट्रीटमेंट्स जो आपको बाद में ज़रूरत पड़ती है, जैसे बोटॉक्स फिलर थ्रेड्स की, उसकी आपकी ज़रूरत बहुत कम रह जाती है अगर आप इस तरह की रीजेनेटिव ट्रीटमेंट्स पे एक टाइम से आ जाते हैं। लेकिन क्या ये बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, क्या ये बड़ी महंगी होती है, थोड़ी सी मैम ये भी एक्सप्लेन करें, क्योंकि देखिए व्यूअर्स यही, मुझे याद है जब हमने शुरू में बोटॉक्स फिलर वगैरह की बात करनी शुरू की तो लोग कहते थे 25,000-30,000 रुपये का तो सिर्फ वो सामान आता है लगाने वाला, हाँ जी, और पूरा करने में आपको पता है 40-50 तो कहीं नहीं गए 1 ml के। जहाँ तक इसके करवाने का ताल्लुक है ना जुगन, ये करवाना इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप बहुत ज़्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर हम जैसे कहते हैं ना कि जैसे सर्जरीज वगैरह, उस कैटेगरी में नहीं रख सकते, इसको आप मिनिमम इन्वेसिव प्रोसीजर कह सकते हैं या नहीं, मुकम्मल बेहोश करने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। इसमें
देखें, जैसे हम स्किन की बात करें, इसमें जिस तरह से आप बाकी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, स्किन पे आप कोई सुन होने वाली क्रीम लगा लेते हैं या डॉक्टर्स नहीं, आप फिर स्टेम सेल यानी कि अंदर से कोई चीज निकल के फिर उसको वैसे तो आपको दूसरे भी मिलते हैं जो आपके अपने से नहीं निकले होते, लेकिन जो अपने अंदर से निकालना है, जैसे कि चर्बी वाला हो गया एक एग्जांपल है, उसमें जुगन ये होता है कि जहाँ से हमने फैट लेनी है ना, सिर्फ उस हिस्से को सुन किया जाता है, और जैसे आपका सिरिंज से खून निकलता है ना, इसी तरह की सिरिंज से फैट निकल आती है, उसमें कोई आपका स्टिच नहीं लगता, कोई आपका कट नहीं लगता, वो हो गया है? वो हो गया, चर्बी ले ली, उसकी प्रेपरेशन हो गई। वो कितना स्टेम सेल काम है? अगर मुख्तलिफ किस्म के स्टेम सेल है ना, तो जो आजकल ज़्यादा जो किया जा रहा है, वो 6-7 घंटे में आपके स्टेम सेल्स जो हैं वो लेबॉरेटरी में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी ये वो सेल्स हैं जो कल्चर नहीं होते। ठीक है, कल्चर वाले सेल्स जैसे हम आगे प्रोग्राम्स में बात करेंगे ना, वो अलग है। तो ये स्टेम सेल्स आपको इमीडिएटली सेम डे पे लग जाते हैं। यानी कि आप आए, आपने निकलवाया जी, आप चले गए, बिल्कुल कुछ घंटे बाद आए, 5-6 घंटे बाद आप आए और आपको लगा दिया गया उसी तरीके से जिस तरीके से आपको चेहरे पे पीआरपी या बोटॉक्स या बल्कि पीआरपी कहूंगी, क्योंकि वो उतना ही कम पेनलेस है, बिल्कुल, क्योंकि फिलर में तो फिलर में तो बड़ी दर्द होती है। पीआरपी की तरह आप समझ लें कि उसको लगा दिया, मुख्तलिफ तरीके लगाने के तो आसान है लगाना, और उसके बाद कोई इतना खास वो भी नहीं है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा, एक हफ्ते का डाउन टाइम होता है जैसे सादा एक कोई भी आप प्रोसीजर फेस पे करवाते हैं तो डॉक्टर आपको एक हफ्ते की इंस्ट्रक्शन देता है, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन नौकरी शौकरी पे लोग जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सादा चीज़ें एंटीबायोटिक्स खानी है, सनब्लॉक लगाना है, कुछ थोड़ी सी एंटीबायोटिक क्रीम फेस पे लगाने के लिए दी जाती है, इसी तरह की चीज़ें की जाती है। अच्छा, यानी कि ये नहीं है कि आपने अब अगर आज करा लिया तो अब अगले एक हफ्ते तक आप घर से नहीं निकल सकते? हाँ, ऐसा नहीं। ये मैं रेकमेंड यही करूँगी यंग लोगों को कि अगर फॉर एग्जांपल आप फ्राइडे को एक ऑफ डे ले सकते हैं, आपने फ्राइडे को जाके अपने निकलवा लिया, उसके बाद आपने शाम को जाके वो अपना प्रोसीजर करवा लिया, आपके पास सैटरडे संडे का एक दिन मिल जाता है आपको रिकवरी का, मंडे से आप ऑफिस जाएं और कंसीलर जो भी लगाने लगा। स्किन के बहुत सारे प्रोसीजर्स में ना, ये जो पहले 48 घंटे हैं ये बड़े अहम होते हैं, तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि वीकेंड पे आप करवाएं और आपका वो वाला टाइम पीरियड जो क्रूशियल है वो उसी में। लेकिन प्लीज ट्रैवलिंग से बिल्कुल पहले नहीं, और ये नहीं कि आपने 4 दिन बाद जाना है कहीं बाहर तो आपने कहा मैंने करा लिया तो हम लोग फिर करके मैं वापस आके, डॉक्टर के उस जगह पे एटलीस्ट हफ्ता रहें जहाँ पे आप डॉक्टर से रुजू कर सकें। बिल्कुल। फाइनली आपका मैसेज आज के दिन व्यूअर्स को? मेरा एक तो मैसेज ये है कि प्लीज़ आप, ठीक है सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, नेट पे आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन आप हेल्थ अथॉरिटी नहीं है, इन चीज़ों को अपने हाथ में ना लें, एक दफ़ा डर्मेटोलॉजिस्ट या हेल्थ प्रोफेशनल से एडवाइस ज़रूर लें, वो बेहतर समझते हैं कि आपकी पहले स्किन कंडीशन क्या है, आप बाद में किन हालात से गुजरने वाले हैं, उससे एडवाइस लें, उससे रिकमेंड करवाएँ चीज़ें, और स्किन केयर करें ज़रूर। ठीक है, ये नहीं कि आप स्किन केयर ना करें, स्किन केयर करें, अपने आप को एजिंग से बचाएं, एडवांस ट्रीटमेंट्स की तरफ भी आप जाएं, लेकिन खुद से नहीं, ये इसके लिए प्रॉपर आपको एक सेशन जो है स्पेशलिस्ट के साथ चाहिए, स्पेशलिस्ट से रुजू करें और उनसे जाने के क्या है। और प्लीज़ व्यूअर्स, बहुत से लोग ये करते हैं, पूरा मशवरा जाके ले लेते हैं एक्सपर्ट से और फिर किसी और से जाके करा लेते हैं वो चीज़ें जो उनको लग रहा होता है सस्ती हो रही हैं। व्यूअर्स, आपको नहीं पता कि जिसके पास उसके बाद आप जाएंगे, जिसने घर घर में दुकान खोली हुई है या जिसने किसी मतलब आई एम सॉरी, इसमें स्टेरिलाइजेशन, प्रॉपर जगह पे उन चीज़ों को रखना जो आपके ऊपर लगनी है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ज़्यादातर क्लिनिक्स में लोगों ने लैब भी रखी होती है जो अच्छे क्लिनिक्स होते हैं, चाहे छोटे स्केल पर हो, लैब वहाँ पर होती है जहाँ पर चीज़ें तैयार की जाती हैं। पीआरपी भी जो हर बंदा आजकल पार्लर में जाके करा रहा है वो लैब में तैयार की जाती है, पीआरपी की मशीन में ज़रूर डाली जाती है, लेकिन उसकी टेस्टिंग शेस्टिंग 50 चीज़ें होती हैं, आप गलत वाला हिस्सा पीआरपी का लगा दें तो आपके पूरे मुंह पे ब्रूजिंग हो जाएगी, क्योंकि वो उसका काम ही ब्रूज क्रिएट करना है, गंदा वाला हिस्सा सूटना होता है, उसको यूज नहीं करना होता, बिल्कुल ज़रा सा आपने हिला दिया तो वो सारा आपका वेस्ट हो गया, आप उसको नए सिरे से भी नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स प्लीज़ राइट बंदे के पास जाएँ, 50 सस्ती ट्रीटमेंट से बेहतर है कि एक अच्छी ट्रीटमेंट करा लें इन्वेस्टमेंट के तौर पे। इतने महंगे महंगे जूते, कपड़े, बैग, जेवर, गाड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे करते हैं, अपनी ज़ात में इन्वेस्ट कर लें अगर करना है तो,
और अगर नहीं करना और कंफर्टेबल है तो खुश रहें, लेकिन बेतुकी चीज़ें ना लगाएं। ये वही वाली बात है, अगर आप जंगल में निकलेंगे, ज़मीन पे फल फूल ये वो इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, आप एक चीज़ को नहीं पहचानते, आप उसको नहीं खाएंगे, वो जहरीली भी हो सकती है। उसी तरह अपनी स्किन का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर बुशरा, खुश रहें, आबाद रहें। छोटा